हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में आज हम मैंगो के एक रोग जिसको सूटी मोल्ड के नाम से जानते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। सूटी मोल्ड का काजल ऑर्गेनिज्म जो है कैप्नोडियम रामोसम है, या इसको कैप्नोडियम मैंगीफेरी भी कहते हैं। समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो इसके सिम्टम में ब्लैक इरपमेंट लीफ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हो, जब पत्ती पे आप हाथ फहराओगे तो हल्का उभार दिखेगा। वास्तव में ये फंगल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसके वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो पूरी पत्ती पे ये ब्लैक इरपमेंट स्ट्रक्चर पाई जा रही है और पूरी पत्ती को ढके है, इसलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है घट जाती है। इसके अलावा सुपरफिशियल फंगस का ग्रोथ, जो कि माइसीलियम की ग्रोथ होती है, वो आपको फ्लावर पे और लीफ पे, ओल्ड लीफ और टेंडर लीफ दोनों पे, स्टम और फ्रूट पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ देख सकते हो, ये फ्लावर पे, लीफ पे और स्टम पे, उसके अलावा यहाँ पे फ्रूट पे देखने को मिलती है। फ्रूट पे भी ब्लैक इरपमेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसके वजह से इसका जो यील्ड है घट जाता है और जो इसका मार्केट प्राइस वो भी कम हो जाता है। पैथोजन जो है सुगरी हनी ड्यू कंडीशन में ग्रो करता है। जो प्लांट पे सुगरी हनी ड्यू सेक्रीट करने वाले जो इंसेक्ट हैं वो अटैक करते हैं, जिससे ये हनी ड्यू प्रोड्यूस होता है और हनी ड्यू पे ही ये जो सूटी मोल्ड का पैथोजन है वो ग्रो करता है। समझते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में। तो इसका ट्रांसमिशन जो है सुगरी हनी ड्यू प्रोड्यूस करने वाले इंसेक्ट के द्वारा होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये रोग ट्रांसमिट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और यही इंसेक्ट हैं जो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं पैथोजन के डेवलपमेंट के लिए। ये जो है जैसिड, एफिड, स्केल इंसेक्ट और प्लांट हॉपर जो हैं वो ये सुगरी या हनी ड्यू प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर पैथोजन डेवलप होता है। आप अगर प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके वहाँ बहुत चीज़ें देख सकते हैं। अब समझते हैं कुछ इसमें क्वेश्चन के बारे में। सूटी मोल्ड मैंगो डिजीज ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? जैसिड के द्वारा, एफिड के द्वारा, स्केल इंसेक्ट के द्वारा या सभी के द्वारा? तो आपका कमेंट करके बताना है कि जो सूटी मोल्ड है मैंगो का वो किसके वजह से फैलता है। जिसका कमेंट सबसे पहला सही होगा वो टॉप में अपेयर करेगा, टॉप पे उसको पिन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सूटी मोल्ड डिजीज किससे होता है? एल्गी से, फंगस से, बैक्टीरिया से या फाइटोप्लाज्मा से? जो तीसरा क्वेश्चन है वो है काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सूटी मोल्ड ऑफ मैंगो। मैंगो का सूटी मोल्ड जो है उसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? पहला ऑप्शन है सिफेलियोरस वायरसेंस, दूसरा है कैप्नोडियम मैंगीफेरी, तीसरा है जेंथोमोनास मैंगीफेरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनका जवाब लिख के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सही जिसके जवाब होंगे वो हम टॉप पे पिन करेंगे ताकि उसको देख के आप समझ सकें। हमने हाल ही में प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी शुरू किया है, उसको देखने के लिए आप प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त।